हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ फार्म में। थोड़ी देर बाद यहाँ पे G20 डेलीगेट्स पहुँचने वाले हैं और आपको बता दूं कि जिस जगह हम खड़े हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार वो पूरा व्यू चारों तरफ से कैमरे को चलाकर दिखाएं। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक खाट बनाई गई है। हरियाणा के अंदर खाट पंचायत जो होती है उसके अंदर डलती है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पंचायत होने जा रही है, क्योंकि विभिन्न देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचेंगे और ये खाट स्पेशल उन मेहमानों के लिए बनवाई गई है। और इसको आप देखिए, इस पर एक मैसेज भी लिखा गया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी हम सब एक हैं, एक धरती एक परिवार, और हमारा भविष्य भी यहीं से कल तय होने वाला है कि सभी देशों के जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पे बैठेंगे सभी अपने विचार रखेंगे। और आपको बता दूं कि पूरे हरियाणवी अंदाज में उनका स्वागत किया जाएगा और उनको हरियाणवी खाना जो है वो दिया जाएगा, खीर चूरमा दाल बाटी खिचड़ी दलिया चटनी वो सब चीज़ें प्योर हरियाणवी खाना उनको कल लंच में दिया जाएगा। और डेलीगेट्स यहाँ पे एक से डेढ़ घंटे तक रुकने वाले हैं, करीब 11 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद करीब 12:30-1 बजे के आसपास वो यहाँ से निकलेंगे। इस डेढ़ घंटे के समय में झज्जर से वो क्या क्या यादें लेके जाएंगे ये देखने वाली बात है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजन।